हाय एवरीवन, आज डाउ जोन्स पे बहुत लोगों का फोकस है क्योंकि वहाँ पे फेड रेट की मीटिंग और हमारी इंडियन निफ्टी को भी उसके साथ कोरिलेट किया जा रहा है। ओके, तो चलिए जो ज़रूरी नहीं है उसे मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है, कई बार क्या होता है कि कोई इंडिकेटर आपको स्टोरी बताता है कि क्या हो सकता है, कोई नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अभी यहाँ पे मुझे ADX से हेल्प मिल रही है। अभी फैड रेट क्या है उसको निफ्टी के साथ तो पहले कोरिलेट करना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी हम देखेंगे कि चार्ट वर्सेस न्यूज़ की ये सीरीज़ है। यानी न्यूज़ क्या है, एवरीवन नोस अबाउट द फैड मीटिंग, क्या आज फैड रेट की मीटिंग है, वहाँ क्या हो सकता है, पर चार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। जब भी ऐसी कोई इवेंट्स होती है तो ज़्यादातर हमें या तो डोजी मिलती है या स्पिनिंग टॉप बॉटम जैसी कैंडल मिलती है। पर डोजी जहाँ पे भी हो या स्पिनिंग टॉप बॉटम राइजिंग के बाद हो या गिरने के बाद हो, जस्ट लाइक दिस। सो गाइस यहाँ पे थी राइट right? तो ऐसा कहा गया है कि स्पिनिंग टॉप ये एक्चुअली इनडिसिसिव कैंडल है। अगर बढ़ने के बाद मिलती है तो सेल और गिरने के बाद बाय, ऐसा कहा जाता है। पर एज पर द प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू से यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ऐसी जब भी कोई कैंडल होती है वो इनडिसिसिव है तो उसका लो कुछ नहीं है, वही ध्यान में रखना है। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द लो ऑफ दैट कैंडल एंड द हाई ऑफ दैट कैंडल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर आज ओपन हाई सेम ओपन होता है, यानी ओपन और हाई सेम रहेंगे जब भी डाउ जोन्स ओपन होगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि लो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, और लो ब्रेक होता है तो पावर पैक नीचे जा सकता है। अगर ओपन लो सेम हुए और हाई ब्रेक हुआ तो पावर पैक परफॉर्मेंस ऊपर की साइड भी दे सकता है, पर फिलहाल के लिए ये न्यूट्रल पैटर्न है। स्पिनिंग टॉप कई लोग कहेंगे, कई लोग मना भी करेंगे, पर ये पैटर्न का नाम यही है। इसे डोजी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका रियल बॉडी थोड़ा ठीक है। प्रैक्टिकल वे में मैं स्पिनिंग टॉप बोल रहा हूँ कि इट्स अ न्यूट्रल पैटर्न, क्योंकि ओपन हुआ मूवमेंट बहुत दी उसने कल, पर क्लोजिंग जो दिया उसने वो ओपनिंग के पास दिया। ओके, बट शैडो आपको दोनों साइड दिखेंगे, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। यानी जब भी ऐसी कोई इवेंट होती है तो हमें डोजी या ऐसी कोई पैटर्न देखने को मिलती है। फाइन, तो इसका जो लो है वो है 35441.74 जो आपको यहाँ दिखेगा, और उसका हाई है 35779.47 एंड दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। यहाँ पे एक ही पर्पज़ है कि आप चार्ट पे थोड़ा इनिशिएटिव हम ले रहे हैं कि चार्ट पे लोगों को फेथ आए। ADX, चलिए देखते हैं ADX से एक हेल्प मिल रही है कि क्या हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि माइनस डी जो है वो ऊपर आ चुकी है राइट, यहाँ पे फाइन, और अभी आज भी ये ऊपर ही है, अभी सेशन शुरू नहीं हुआ है, ये कल का कैंडल है या लास्ट सेशन का कैंडल है। ओके, सो यहाँ पे माइनस डी जो है वो ADX को क्रॉस करके ऊपर आ चुकी है और प्लस डी है वो नीचे है। यहाँ पे अगर ये हाई ब्रेक होता है तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि माइनस डी नीचे चली जाए, ग्रीन लाइन है पर दोस्तों इसे रेड कंसीडर करेंगे। ओके, और प्लस डी है जो ऊपर आ जाए, तभी हमें जाके बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल मिल सकता है राइट। तो ये सिचुएशन है, और अगर लो ब्रेक हो जाता है ये कैंडल का, तो हो सकता है कि माइनस डी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे, माइनस डी यानी नेगेटिव डायरेक्शन, और ADX ने अगर टर्न ले लिया व्हाइट लाइन में तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो अभी जो हम पोजीशन है वो बहुत ही न्यूट्रल है, यानी इवेंट के पहले ये सिचुएशन होती है। तो लो ब्रेक होने पे ये हो सकता है और हाई ब्रेक होने पे ये, यानी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे तय है राइट। तो देखते हैं क्या होता है। सो ADX की स्टोरी हमने सुना दी फेड रेट के पहले, तो न्यूज़ क्या कह रहा है, और न्यूज़ तो हमें क्लियर पता ही है फेड रेट के हैं, बट ये हाई और लो बहुत मायने रखेंगे। और रही बात निफ्टी की, तो आई थिंक हमें उसको इसके साथ कोरिलेट नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि उसमें भी ADX का सेटअप तो वैसा ही है, पर देखेंगे इसका अलग से अगर वीडियो बनाएंगे कुछ इसमें क्ल्यू मिलेगा तो।
बट फिलहाल के लिए डाउ जोन्स मैंने बता दिया, और डाउ जोन्स का फ्यूचर जो है वो भी दिखा देता हूँ, वो 28 पॉइंट माइनस है। इसमें सिचुएशन अलग है पूरी ADX की, साइडवेज जैसा है, पर अभी आप देख सकते हो जो हमने कहा कि इसके अंदर ही अभी फिलहाल के लिए ट्रेड हो रहा है। तो देखते हैं नीडिंग में क्या होता है, और इसको हमारे मार्केट के साथ कोई कोरिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन जो है वो क्लियर कट दिख रही है कि फिलहाल ब्रेक करके हैं, राइट। लेट्स सी, अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो हाई ब्रेक होगा, और सही ब्रेकआउट होगा ओके तो लो ब्रेक हो सकता है। लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।